Hi, hello, namaste. This is Manisha Khatwani and I'm back once again to tell you what's in store for you this week. आइए देखते हैं कि आपके लिए tarot cards क्या कहते हैं. We are talking about the week 23rd November 2020 up to 29 November 2020. शुरुआत करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज से. आपके लिए फर्स्ट कार्ड आता है जजमेंट का, यानी कि इस हफ्ते आप अपने सही जजमेंट का इस्तेमाल करने वाले हो. डेफिनेटली गोइंग टू मेक सम प्रैक्टिकल एंड सम रैश डिसीजंस. लेकिन ये जो डिसीजन लेंगे आप, वो आपके फेवर में ही जाएगा, भले आप जल्दबाजी में भी ले, क्योंकि आपके लिए आता है नाइन ऑफ कप्स. यानी कि इस हफ्ते आप बिल्कुल अपने दिल से ऑपरेट करने वाले. यू आर गोइंग टू टोटली वर्क फ्रॉम योर हार्ट एंड नॉट थिंक प्रैक्टिकली एट ऑल. यही कहता है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड. एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है. वह लोग आपकी टैलेंट की तारीफ जरूर करने वाले और आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करने वाले. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज. सेल्फ फॉरगिवनेस, लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड. यानी कि सबसे पहले अपने आप को माफ करो इफ यू थिंक यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है काफी हाई. आइए बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी कि टॉरियंस की, और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है. आपके लिए आता है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो इंडिकेट करता है कि इस हफ्ते आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न, एज फार एज सम फैमिली मैटर्स इज कंसर्न, और सम हेल्थ इश्यूज आर कंसर्न. वैसे टेन ऑफ कप्स तो यही इंडिकेट करता है कि फिलहाल बच्चों के लिए आप कुछ खास करना चाहते हैं, लेकिन योर हैंड्स आर लिटिल टाइट, या फिर आपके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स है, या फिर कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको पहले फुलफिल करना है. और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है. फिलहाल सितारे पूरी तरह से आपके साथ नहीं है, आपको थोड़ा और इंतजार. आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज. पे अटेंशन, नोटिस रेपिटेटिव साइंस एंड योर इनर गाइडेंस एज दे कैन हील वैल्यूबल इंफॉर्मेशन. यानी कि आपका दिल आपसे कुछ कहना चाहता है, आपका गट कुछ कहना चाहता है, लेकिन काफी टाइम से आप इग्नोर कर रहे हैं. नाउ इट्स नॉट द टाइम टू इग्नोर. आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है थोड़ा सा लो. अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनाइज की, और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है. आपके लिए आता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जो इंडिकेट करता है कि नौकरी की तलाश में आप काफी बिजी होने वाले हैं. ये भी क्या यू विल वांट टू डू समथिंग टू मेक योर करियर मोर पॉजिटिव और स्ट्रॉन्गर. यही कहता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स. वैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है. इट इज अ टाइम फॉर यू टू लुक एट अ न्यू करियर अपॉर्चुनिटी और लुक एट समथिंग मोर पॉजिटिव ऑन द वर्क फ्रंट, बट यू विल स्टिल हैव टू बी पेशेंट एंड वर्क हार्ड, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा और धैर्य रखना है. एंड सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है. वेल एज फार एज पर्सनल लाइफ इज कंसर्न, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं. इवन फॉर मटेरियलिस्टिक आइटम्स दिस वीक इज अ गुड वीक टू बाय समथिंग इंपॉर्टेंट. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज. हीलिंग हार्ट, यू आर अ पावरफुल हीलर एंड कीप अप द ग्रेट वर्क. यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पेन और समथिंग दैट यू नीड टू हील, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस पे ध्यान दें. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम. अब आइए बात करते हैं कैंसर की, यानी कि कर्क राशि की, और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है. आपके लिए आता है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल रिक्वायर्ड इन सर्टेन एस्पेक्ट्स एंड देर इज सम कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन दिस वीक, सो यू हैव टू स्टे स्ट्रांग एंड पॉजिटिव. वैसे स्ट्रांग से याद आया कि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है आपके लिए. दिस वीक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली. एंड हो सकता है कि आपको किसी चीज में थोड़ा सा लो फील हो. एंड पेज ऑफ कप्स आ रहा है, जो इंडिकेट करता है कि लिसन टू योर हार्ट, यू विल बी गेटिंग अ मैसेज टू फॉलो वॉट योर हार्ट सेज एंड वॉट मेक्स यू हैप्पी. आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज. Watch your thoughts. It's important to think about what you desire, not what you fear. यानी कि आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान दें, ना कि आपका जो डर है आपके मन में. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है थोड़ा सा लो. अब आइए बात करते हैं लियो की, यानी कि सिंह राशि की, और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है.
आपके लिए आता है जस्टिस का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि यू आर वेटिंग फॉर सम जस्टिस इन सर्टेन एस्पेक्ट्स स्पेशली रिगार्डिंग योर वर्क योर होपिंग फॉर सर्टेन थिंग्स टू मूव योर वे और आप यही चाहते हैं कि आप जो प्लान करना चाहते हैं वो आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए यही कहता है जस्टिस का कार्ड। वैसे थ्री ऑफ वॉन्स का कार्ड भी आया है थोड़ा सा और इंतजार करना है आपको रिगार्डिंग फाइनेंस पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ अगर आप उसमें सक्सेस चाहते हैं तो थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है औरतों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है एज फार एज इमोशनल मैटर्स आर कंसर्न लेकिन अगर आप ओवर इमोशनल होंगे या ओवर सेंसिटिव होंगे तो आपके लिए नुकसान है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज। A new dawn, the worst is now behind you and positive new experiences are on the horizon. A new dawn is coming your way and something positive is coming your way and something to look forward to. वैसे आपकी कार्ड को देखकर मुझे लगता है इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम। अब आइए बात करते हैं कन्या राशि की यानी कि वर्गोस की और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है। आपके लिए आता है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है ऑन द पर्सनल फ्रंट। आपको टेंशन है कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या डिसीजन एग्जीक्यूट करना चाहिए यही कहता है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। वैसे टेन ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी आपको पूरी तरह से खुशी नहीं मिलने वाली है। बच्चों के लिए आप कुछ खास कर सकते हैं या बच्चों की जिद आप पूरी कर सकते हैं या उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू मे बी अ लिटिल डिस्टर्ब दिस वीक। वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें व्हेन द स्टार्स विल टर्न थिंग्स विल बी डेफिनेटली बेटर। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज। Set your sights higher, increase your standards and expect more for yourself. Don't settle. यानी कि you have to have very high expectations. अपने बारे में अच्छी मतलब बातें सोचे अच्छे expectations रखे तो universe will definitely help you to fulfill that. वैसे आपके cards को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका luckometer है थोड़ा सा low. अब आइए बात करते हैं तुला राशि की यानी कि Librans की और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है। आपके लिए आता है सेवन ऑफ वॉन्स का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है एज फार एज सम वर्क मैटर्स इज कंसर्न और सम पर्सनल मैटर्स आर कंसर्न एंड सेवन ऑफ वॉन्स तो यही इंडिकेट करता है इट्स एन इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू टू थिंक ऑफ एनी पर्सनल डिसीजन। वैसे एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है इस वीक आप थोड़े से नेगेटिव ही होने वाले एज फार एज योर फैमिली लाइफ इज कंसर्न या टूवर्ड्स योर स्पाउस आप थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं यही कहता है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड भी आया है वेल जो पुरुष है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीक आपके लिए इतना अच्छा नहीं है बिजनेस वाइज सो मेक श्योर यू डू नॉट डू एनीथिंग इन अ रश लेकिन स्पिरिचुअली ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज। यू आर बींग हेल्प्ड हेवन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ यू डोंट सी रिजल्ट्स येट। इतना अच्छा कार्ड आपके लिए आया है कि भगवान आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है थोड़ा सा लो। अब आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की यानी कि स्कॉर्पियंस की और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है। आपके लिए डेथ का कार्ड आया है जो इंडिकेट करता है कि इस हफ्ते आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आने वाले हैं। कुछ चीज़ें खत्म होंगी लेकिन कुछ चीज़ों की शुरुआत भी होगी यही कहता है डेथ का कार्ड। वैसे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है जो इंडिकेट करता है कि कोई हार्ट ब्रेक या क्रिटिसिज्म हो सकता है या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर सकता है या कर रहा है यही कहता है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है वेल ऑन द लव फ्रंट एकदम शुरुआत तो होने वाली है लेकिन थोड़ी सी अनबन भी होगी सो मेक श्योर यू कीप योर इमोशंस एंड योर टेम्परमेंट इन चेक दिस वीक। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज। Divine magic, extra magical energy surrounds your situation. Right now, expect miracles very soon. यानी कि आपके लाइफ में कोई ना कोई चमत्कार होने वाला है लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और divine magic यही कहता है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम। आइए बात करते हैं धनु राशि की यानी कि सैजिटेरियंस की और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है। आपके लिए आता है टू ऑफ कप्स का कार्ड यानी कि
दोस्ती प्यार में बदल सकती है या प्यार की शुरुआत हो सकती है एंड यू मे बी फीलिंग मोर पॉजिटिव एंड लविंग टुवर्ड्स योर पार्टनर या इट कुड बी अ रीकिंडलिंग ऑफ रोमांस इन योर करंट रिलेशनशिप. और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, यानी कि कोई कीमती चीज़ कहीं ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने वैल्यूबल्स के ऊपर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर, यही कहता है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड. वैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है. औरतों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है एज फार एज फाइनेंसेज आर कंसर्न एंड एज फार एज मनी इज कंसर्न, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी है. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज. Set your sights higher, increase your standards and expect more for yourself. Don't settle. यानी कि you have to think more positive and you have to think more higher for yourself. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम. अब आइए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, यानी कि मकर राशि की, और जानते हैं कि आपके लिए क्या क्या है. आपके लिए आता है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि इस हफ्ते इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क टुवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ, हार्ड वर्क टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल लाइफ एंड हार्ड वर्क टुवर्ड्स योर हेल्थ, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स यही इंडिकेट करता है. वैसे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है. इट इज़ टाइम फॉर यू टू जगल बिटवीन आप एक्चुअली क्या चाहते हैं अपने लाइफ में पर्सनली एंड प्रोफेशनली. आपको इस बारे में डेफिनेटली सोचना है और एक खास डिसीजन लेना पड़ेगा, यही कहता है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. और द मैजिशियन का कार्ड भी आया है, जो इंडिकेट करता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क योर मैजिक, इट्स टाइम फॉर यू टू हैव मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योर सेल्फ. वैसे आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज. यू आर बींग हेल्प, हेवन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स इवन इफ यू डोंट सी द रिजल्ट येट, जो इंडिकेट करता है कि भगवान आपके साथ है एंड इट इज टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन ऑल द पॉजिटिव रिजल्ट. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है काफी हाई. अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि की, यानी कि एक्वेरियंस की, और जानते हैं कि आपके लिए क्या क्या है. आपके लिए आता है सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड, जो इंडिकेट करता है इट्स टाइम फॉर यू फॉर सम पॉजिटिव सक्सेस एंड फॉर यू टू मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड टू इंच टुवर्ड्स योर सक्सेस, यही कहता है सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड. द मून का कार्ड भी आया है. वेल इट इज़ अ लिटिल मेंटली डिस्टर्बिंग द टाइम एट द मोमेंट, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट नाउ स्टे पॉजिटिव एंड स्टे काम. एंड द डेविल का कार्ड भी आया है. फिलहाल सितारे आपके साथ नहीं है, इसलिए आपको करना है थोड़ा और इंतज़ार और आपको देखना है कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज. स्टे ऑप्टिमिस्टिक, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट नाउ बिफोर द मिरेकल अकर्स, यानी कि आपको पॉजिटिव रहना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको कह चुकी हूँ, एंड द यूनिवर्स विल मेक श्योर योर ड्रीम्स कम ट्रू. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है थोड़ा सा लो. अब आइए बात करते हैं आखिरी राशि की, मीन राशि, यानी कि पाइसिस. आइए देखते हैं आपके लिए क्या क्या है. आपके लिए आता है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. इट्स टाइम फॉर यू टू हैव सम गुड एक्सपेक्टेशंस एंड सम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर लाइफ एंड फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है या फिर आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं. द स्टार का कार्ड आया है, जो इंडिकेट करता है कि सितारे हैं आपके साथ, ग्रह नक्षत्र आपके साथ है एंड देर इज सम होप एज द स्टार्स आर चेंजिंग पॉजिटिवली. एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है. पुरुषों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है. इमोशनली आप बहुत ही स्ट्रांग फील करेंगे एंड यूल बी फीलिंग मोर पॉजिटिव एंड हैप्पी इन जनरल. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज. Divine magic, extra magical energy surrounds your situation right now. Expect miracles. यानी कि आपके लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल होने वाला है, चमत्कार होने वाला है and it is a time for some miraculous things to come your way. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है काफ़ी हाई. So this was this week's prediction. मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है. मिलते हैं अगली बार. Till then, take care, love and light.